इस तरह का कमबैक करना कोई टीम इंडिया से सीखे। लिटरली भाई ये जो कल पाकिस्तान में घंटे भोंक रहे थे ना कि 46 पे आउट हो गए हैं तो बढ़ गए हैं तो ये हो गए, तो बेटा 46 पे ऑल आउट हुए हैं, तो कमबैक देखो फिर किस तरह आज टीम इंडिया ने। अगर इंडिया ने अच्छा फाइट बैक किया, उनकी बैटिंग काफी बेहतर रही है, और जो कमाल खेला यार सरफराज खान, क्या बंदा है, मतलब अंडर प्रेशर इतनी तेज स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे हैं। सरफराज और विराट कोहली दे वर ब्रिंगिंग इंडिया बैक इनटू दिस गेम, बहुत अच्छा फाइट बैक किया इंडिया ने, और जिस रफ्तार से रन बने हैं वो काफी शानदार है। 231 तीन खिलाड़ी आउट 49 ओवरों में, तो रन रेट बड़ा शानदार है। हैट्स ऑफ टू इंडियंस ऑफ रेजिलियंस, 356 देख के 356 देख के मोहसिन साहब बड़े बड़ों के पित्ते पानी हो जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत इनिंग, जितनी भी तारीफ की जाए, बहुत ही खौफनाक पार्टनरशिप थी, और कोहली लग रहा था कि विराट कोहली खेल रहा है। न्यूजीलैंड के बॉलर्स का भट्टा बना के रख दिया, क्या क्या शॉट्स नहीं खेली विराट कोहली ने, इतना प्यारा आज खेल रहा था विराट कोहली, 2016 वाला विराट कोहली आज खेलते हुए दिख रहा था। भारत ने जो बल्लेबाजी की है 5.3 प्लस का समथिंग का रन रेट है, यानी टारगेट 200 प्लस का दे दिया, तो न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल पड़ जाएगी। और आप हैरान होंगे कि इंडिया जो पहली इनिंग में 46 ऑल आउट हुआ वो न्यूजीलैंड को फंसा रहे, ये आपको शक्ल नजर आए। इंडिया को सर 356 की लीड, 356 की लीड के पीछे भागना, और जिस तरह फिर टीम इंडिया ने आज बैटिंग की है, मतलब बैस बॉल का गुस्सा आकर छोड़ दिया है, बैस बॉल होती है बेटा, ये जो टीम इंडिया ने आज खेली है। रोहित शर्मा जिस टच में शुरू करते हैं, रोहित शर्मा से जिस टच में रोहित शर्मा आज नजर आ रहे थे, रोहित शर्मा ने जिस टच में 50 किया, यकीन करने भाई जो बंदा क्रिकेट को समझता है, जो बंदा रोहित शर्मा की बैटिंग को जानता है, जो रोहित शर्मा को जानता है कि रोहित शर्मा किस टच में खेल रहा हो, तो लगता है ये शो करेगा। आज रोहित शर्मा जिस टच में खेल रहा था ना, मैं कहता हूं हर बंदा ये बता सकता था कि रोहित शर्मा शायद 150 से 200 भी मार रहा, लेकिन वो अनलकीली अनफॉर्चुनेटली वो रोहित शर्मा ने बॉल को रोका और वो विकेट को लग गई, मतलब वो बस अनफॉर्चुनेटली ऐसा होना था, अनलकीली रोहित शर्मा की विकेट गिरनी थी, और उधर से जब रोहित शर्मा की विकेट गिरी है उसके बाद मैच आ गया था सर विराट किंग कोहली पे, पापा जी ऑफ घंटों का किंग उस पे आ गया था मैच। और आप सबको पता है जब विराट पे बात आ जाए तो विराट कभी मायूस नहीं करता, विराट कोहली ने हमेशा फ्रंट से आके लीड किया, और विराट कोहली ने हमेशा बताया कि बेटा जब मेरी मैं अपने आप पे आ जाऊं ना तो बजा के रख दूंगा। उसके साथ जो सरफराज खान ने बैटिंग किया, भाई विराट कोहली बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट का, विराट कोहली किंग है क्रिकेट का, विराट कोहली क्रिकेट है, ये सबको पता है। इतनी अच्छी शानदार बेहतरीन जानदार पार्टनरशिप थी कि कहीं ना कहीं उस मैच में कि जहां इंडिया पहली बारी में सिर्फ 46 पे आउट हुआ है, इस पार्टनरशिप की बदौलत अब रिकवरी हो रही थी, बड़ी शानदार और बेहतरीन तरीके से रिकवरी हो रही थी। सरफराज और विराट कोहली दे वर ब्रिंगिंग इंडिया बैक इनटू दिस गेम, बहुत अच्छा फाइट बैक किया इंडिया ने, और जिस रफ्तार से रन बने हैं वो काफी शानदार है, 231 तीन खिलाड़ी आउट 49 ओवरों में, तो रन रेट बड़ा शानदार है। सरफराज ही वॉज लुकिंग वेरी गुड, जैसे ही वो आया बैटिंग करने के लिए देखिए रन की रफ्तार खुल गई है, ऐसा नहीं कि रोहित शर्मा हल्का खेल रहा था, वो भी अच्छा तेज खेला था, ही वॉज लुक एट रोहित शर्मा, हाउ अनलकी वॉज ही, उसका दिल नहीं चाह रहा था कि वो वहां से निकल के बाहर जाए रोहित शर्मा का, ही डिड नॉट वांटेड टू गो आउट, अच्छा बल्ले के मिडल में लगा फिर भी ठप्पा खा के बैट और पैड के बीच में से निकल के विकेटों में जाके लग गई, किस्मत खराब हो तो ऐसे भी हो जाता है। तो जिस तरीके से इस बच्चे ने आगे खेला भाई आउट हो जाते हैं, पहली बारी में जीरो पे आउट हो गया तो पांच बंदे जीरो पे आउट हो गए टीम इंडिया के, क्या हो गया, तो लोग एकदम से शुरू कर देते हैं हाँ जी डोमेस्टिक का ये बहुत रन करता, कई प्लेयर डोमेस्टिक जो होते हैं तो ऐसा तो वैसा तो वैसा, अभी देखें 78 गेंदों पे 70 पे खेला, 3 छक्के 7 चौके और 2 तो उसने जो स्लॉग स्वीप पे छक्के मारे ऊपर नीचे, तो जैसे ये बंदा आया रन की रफ्तार ऐसे दुगनी हो गई है, किंग कोहली ने और सरफराज ने दोनों ने अच्छी रफ्तार पकड़ी और अच्छे रन आना शुरू हो गए, 700 रन उतर के अगर ऊपर 200 भी डाल दिया है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल बिकम डिफिकल्ट टू बैट ऑन दिस पिच, मुश्किल होता जाएगा ना विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन इस बंदे ने बहुत ही शानदार शॉट्स खेले हैं, और वो कीपर के ऊपर से जो ग्लैंस करके शॉट खेला है सरफराज ने, दैट वाज अमेजिंग, और स्लॉग स्वीप पे जो छक्के मारे हैं इट शोज द कॉन्फिडेंस ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट। आई रियली वांट कि जिस तरह से डोमेस्टिक में ये करता है, बड़े बड़े ये शो करता है, 200 शो करता है, 170 180 200 225 तो यहाँ टीम को जरूरत है, अभी 70 पे खेल रहा है, आई रियली वांट हिम कि ये यहाँ से कोई करे 200 वाला काम करे, 200 वाला, अगर ये 200 कर जाएगा तो डेफिनेटली इंडिया के 200-250 के ऊपर लीड चढ़ जाएगी। इंडिया अभी भी गेम से आउट नहीं है, अगर इंडिया ने अच्छा फाइट बैक किया, उनकी बैटिंग काफी बेहतर रही है, और मुझे लगता है कि जब मतलब कल का दिन होगा, इंडिया बैटिंग करेगा उसके बाद जब अगर कहीं जाकर न्यूजीलैंड की बारी आती भी है तो स्पिन ट्रैक पे फंसता है, न जाने मुझे क्यों लग रहा है कि अगर इंडिया ने 200 से ऊपर कोई भी हिंसा 215-225 ये न्यूजीलैंड को दिए ना तो न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल बन जाएगी, यानी टारगेट 200 प्लस का दे दिया तो न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल पड़ जाएगी। और आप हैरान होंगे कि इंडिया जो पहली इनिंग में 46 ऑल आउट हुआ वो न्यूजीलैंड को फंसा रहे, ये आपको शक्ल नजर आएगी। और जो कमाल खेला यार सरफराज खान, क्या बंदा है, मतलब अंडर प्रेशर इतनी तेज स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे हैं, और अंडर प्रेशर खेला जबरदस्त खेला, लगा कोई मंझा हुआ प्लेयर खेल रहा है, 69 की फर्स्ट क्लास एवरेज उस बंदे की, 69 की
301 उनका हाईएस्ट है, मतलब फर्स्ट क्लास एक डेकोरेटेड उनका रिकॉर्ड है सरफराज खान का, इसलिए उनका नाम बहुत चलता है, मतलब ही डिजर्व्स एप्रिसिएशन, शानदार खेला है वो। किस बुनियाद के ऊपर लोग विराट कोहली के ऊपर बात कर रहे हैं कि यार शुक्र है उसकी 50 हुई। मुझे एक चीज तो बता दे, सातवीं इनिंग के बाद उनकी 50 आई है टेस्ट में, उससे पहले उन्होंने सेंचुरी में 70 प्लस रन किए, और फिर उससे पिछले टेस्ट सीरीज में, यानी उसके दो टेस्ट मैच पहले वो 100 कर रहे हैं, उसके पीछे और दो टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद में उस बंदे ने 100 किए। आप उसकी किस बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं कि यार शुक्र है उसकी 50 भी आ गई? मैं नहीं समझाऊं, आपको चाहिए हर मैच में विराट कोहली की 50, तो ऐसा तो नहीं होता भाई। मेरी नजर में 200 से प्लस टारगेट इंडिया ने दे दिया तो न्यूजीलैंड की कहानी खत्म हो सकती है, और मैं कभी भी रूल आउट नहीं करता इंडिया को, जितना मर्जी वो बुरा अपने घर में क्रिकेट खेल रहा हो एक इनिंग के अंदर, मुझे होता है कि ये दूसरी इनिंग में पलट कर वार कर। व्हाट अ ट्रेमेंडस कमबैक, व्हाट अ ट्रेमेंडस फाइट बैक, कमाल की इनिंग्स खेली कोहली के 70, सरफराज का 70, 231, सिर्फ 3 आउट। ये आउट ना होता तो पूरा दिन यहाँ पे खत्म, न्यूजीलैंड की बॉडी लैंग्वेज, इनके रंग उड़ गए थे, इनके चेहरे खुल गए थे। 136 रन की बहुत ही खौफनाक पार्टनरशिप थी, और कोहली लग रहा था कि विराट कोहली खेल रहा है। लेकिन जितना भी अप्रिशिएट किया जाए विराट कोहली की इनिंग्स को और सरफराज की इनिंग्स को, 350 की लीड देख के बड़े बड़ों के रंग उड़ जाते हैं। ट्रू, हैट्स ऑफ टू इंडियंस रेजिलियंस, 356 देख के, 356 देख के मोहसिन साहब बड़े बड़ों के पित्ते पानी हो जाते हैं, हाथ पैर फूल जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत इनिंग, जितनी भी तारीफ की जाए, रोहित शर्मा ने ऊपर से स्टार्ट दिया 72 प्लस का, जो बेहतरीन जिसे कहते हैं स्टैंड, जो जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड था वो था। फिर इतनी शानदार हमने बैटिंग देखी सरफराज और विराट कोहली, छक्के हमने देखे, एग्रेसिव क्रिकेट, अग्रेशन हमने देखी, क्रिकेट एट इट्स लेवल बेस्ट, बॉलरों के शोल्डर डाउन, 350 जिनके पास लीड हो उनके शोल्डर डाउन होते देखे, उनके रंग उड़ते देखे, इंडियन ड्रेसिंग रूम में मुस्कुराटे, प्लेजेंट्रीज, चेहरे की रौनकें बहाल होते देखी। हाईली 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 अनफॉर्चुनेट रहा विराट कोहली ऑन द वेरी लास्ट डिलीवरी ऑफ द डे, ही लॉस्ट हिज विकेट, इट वाज अ वेरी गुड बॉल। सरफराज हु शॉट ट्रेमेंडस गट्स, छक्के पे छक्का मारना, पॉइंट पे छक्का मारना, फास्ट बॉलर को पूरा छे, जाज पटेल को पूरे छे। आन की बैटिंग की तारीफ की जाए उतनी कम होगी, जितने रन कर दिए ना कोहली ने और सरफराज ने, इतने सरफराज 100 बड़ा कर ले, 60-70 पंत, 30-40-50 राहुल, 15-15-20-20 सारे कंट्रीब्यूट करें, 150 रन इनसे नहीं। आप बॉल देखे इतना इतना, अगर फिलिप्स का बॉल टर्न हो रहा है, फिलिप्स को इतना असिस्ट मिल रहा है, तो फिर आप भूल जाए कि ये अश्विन को, जडेजा को और कुलदीप को ये, और देखे ये मेंटली एग्जॉस्ट हो जाएंगे। और मैं तो समझता हूं अगर ये विकेट कोहली की ना गिरती तो ये सुबह इंडिया ने इनके फट्टे तोड़ देने थे, इंडिया ने इनको बिल्कुल रैटल कर दिया था। अनबिलीवेबल कमबैक है यार, मैं बिलीव नहीं कर सकता यार, क्या कमाल का टीम इंडिया ने कमबैक किया है, और ये सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया कर सकती है, ना ऑस्ट्रेलिया, ना साउथ अफ्रीका, ना न्यूजीलैंड, ना इंग्लैंड, कोई भी नहीं भाई, ये दम, ये क्षमता सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया में। 46 पे ऑल आउट हो गए यार, सारे ट्रोल कर रहे हैं, मतलब हर कोई कह रहे हैं हार गए, ये हो गया, वो हो गया, भाई अब देखो भाई जिस तरह की सरफराज ने अटैकिंग किस्म की बैटिंग किया, नॉट आउट खड़ा है, जिस तरह का विराट कोहली ने 70 बनाया, मजा आया, थोड़ा अनलकी हो गया लास्ट बार, थोड़ा तो नहीं काफी ज्यादा ही हो गया लास्ट बाल पे आउट हो गया दिन का, ये बड़ी हार्टफुल सी फीलिंग होती है ना, जब आप पूरा दिन अच्छा करो और आखिरी बाल पे आउट हो जाओ, वो सारी गीती करताई भी एक तरह से पानी फेरने वाली बात होती है। बट जिस मुश्किल कंडीशन में विराट कोहली ने ये रन्स खेले, मैं देख रहा था कुछ लोग कह रहे थे जी 8 टेस्ट मैच हैं, विराट कोहली ना अच्छा करे तो इसे निकालो, अरे भाई 8 टेस्ट मैचेस के बाद देखना, विराट कोहली बहुत बड़ा बैट्समैन है, 9000 रन्स भी कंप्लीट कर लिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद भारत। कल 46 पे ऑल आउट होने के बाद पाकिस्तानी मीडिया बोल खराब, पाकिस्तानी बोल रहे थे कि बहुत जल्दी ऑल आउट होगी इंडिया की टीम, ऐसी टीम कभी भी ऑल आउट नहीं हुई, पाकिस्तान की टीम भी हुई थी 26 पे ऑल आउट, जो इसलिए थे ये नहीं बोल रहे थे पाकिस्तानी। अब भारत ने जो कमबैक किया है उसे देख के पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से शॉक हो गई है, कैसा कमबैक हमारे पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब।